नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। जनपद मैनपुरी की थाना कुरावली की महमूद नबी की खेत में कुंवरपुर नसरतपुर अपराधी के पिता की जमीन गाटा संख्या 6 मौजा थाना कुरावली में स्थित है, जिस पर अभिषेक चौहान पुत्र प्रधान ग्राम मिडावली और उनके साथी सत्यपाल सिंह, आलोक सिंह पुत्र मनोहर सिंह, आशु सिंह पुत्र बोधपाल निवासी कुंवरपुर और कुछ दबंग साथियों के साथ बमोज सरकसी व गुंडागर्दी के बल पर रात्रि में एक जेसीबी से अवैध मिट्टी जाल का रास्ता बनाना चाहते हैं, जबकि उक्त लोगों का गाटा संख्या में कोई सरोकार व वास्ता नहीं। मना करने पर हमें और मेरे परिजनों को जान से मारने की धमकियां दी जाती है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर की। खेत के पास लगे इंजन की इन लोगों द्वारा इंजन का सामान चोरी कर ले गए। ये लोग पहले भी अवैध कृत्य करने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद मुस्तकीम, थाना कुरावली, जिला मैनपुरी। जी जी, क्या कुछ मामला है आज आपके यहाँ बुला के? यहाँ पे जो है कि ये यहाँ पे अभिषेक ठाकुर और उसके कुछ लोग और भी थे। डब्बू है एक जो सोनी का है, अच्छा कुछ कुंवरपुर के लोग हैं जो है हमारे खेत में रास्ता डालना चाहते हैं। इसकी जो है तहरीर हमने DIG को भी दिए, SP को भी दिए, DM को भी दिए है ना, और मुख्यमंत्री को भी दिए। तो ये ज़बरदस्ती डालना चाह रहे हैं। उस दिन 2 बजे रात के यहाँ पे जो है JCB अंदर घुसी हुई थी, और ये जो है एक तार, देखिए रास्ता कैसा एक तार बनाया है इन्होंने, इसमें पानी भरा हुआ था, इसका पहले पानी निकाला, फिर इसके बाद में ये रास्ता इसमें बनाया। और हम लोग जब आए यहाँ पे तो देखा कि जो है उन्होंने राइफ़ल तान ली और रिवाल्वर हमारे कनपट्टी पर रख दी, हमारे भाई के पे। तो इस तरीके से ये इन्होंने किया है यहाँ पे, मतलब एक तरह का दबाव बना रहे हैं, दबाव बना के ज़बरदस्ती हमारे खेत में रास्ता डालना चाहते हैं। अच्छा, उनकी आगे कहीं जगह प्लॉट वगैरह है क्या? जगह जो है वो मकान बना हुआ, उसके पीछे जगह है जी। कितनी जगह है उनकी? उनकी 10 बीसें है लगभग जी। तो उधर से कोई रास्ता है नहीं वहाँ? उधर से रास्ता मुझे मालूम नहीं, कुंवरपुर के लिए रास्ता है, उधर से कुंवरपुर की तरफ से जाते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, नहीं उधर रास्ता तो होगा ही, जो लोग ये रोड। हाँ बिल्कुल, उधर से निकलते हैं वो लोग। ठीक, तो क्या कोई सुनवाई हुई आपकी? हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बहरहाल ये है कि अभी रुका हुआ है काम, अब ना मालूम कब ये शुरू हो जाए, क्योंकि ये रोज डेली इस तरीके का चलता रहता है।